पुलिस ने आज नाबालिग लड़की की शादी में मुबैना तौर पर मुलविस वालिदैन समेत 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने काजी को भी हिरासत में ले लिया है, जो इस जुर्म में मुलविस से पाया गया था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन गाजराव भोपाल ने बताया कि कर्जों को खत्म करने के लिए वालिदा हुरुनिसा अपने कुंबे के मेम्बरान मीर फरहतुल्ला शौहर और मीर रहमतुल्ला बेटा और दीगर मोहम्मद अब्दुलरहमान वसीम खान और मोहम्मद बदियुद्दीन के हमरा काजी के साथ साजिश की और 16 साल लड़की की शादी 56 साल अब्दुल लतीफ से करती थी। और चाइल्ड मैरिज के बारे में इतला मिलने पर फलकनुमा पुलिस ने आईपीसी के मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके उन 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अरे पीछे हटो जी। नजिया बेगम एक 16 इयर्स की लड़की है। उनकी माँ गुजर गई और फादर जो है वो बहुत अनहेल्दी स्टेज में है। वो अपनी मौसी के साथ रह रहे हैं, हुरुनिसा बेगम बोल के। 27 को ये जो एक्यूज्ड है हुरुनिसा, उनकी मौसी है, वो पैसों के लिए इस 16 साल की लड़की को, एक 56 ईयर ओल्ड आदमी जो केरला से आया है अब्दुल लतीफ परम्बन बोल के, उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करवाया। कंप्लेंट उसका भाई मिराजुद्दीन को कंप्लेंट दिया था, उसके कंप्लेंट पे केस रजिस्टर किया। और इस केस में इसकी मौसी हुरुनिसा, उनके साथ जो ये शादी तय करने में ब्रोकर्स है मोहम्मद अब्दुल रहमान और वसीम खान, दोनों को भी अरेस्ट किए। और इस शादी में जो काजी है मोहम्मद बदियुद्दीन कादरी, उनको भी अरेस्ट किया गया। और इस केस में 27 को शादी हुआ, केस रजिस्टर कर दिया गया और एक्यूज्ड A1 जो है अब्दुल लतीफ परम्बन, उसके ऊपर रेप की चार्जेस भी लगाई गई और पोक्सो की चार्जेस भी उन पर लगाई गई। इसमें 2.5 लाख पूरे मनी वो केरला से जो आया है वो उसको दिया है। इसमें 1.5 लाख लेडी को मिली और बाकी काजी को और ये ब्रोकर्स को दिया गया। डॉक्यूमेंट भी क्या किया गया, उसका एक बहन है, बहन की डॉक्यूमेंट सबमिट करके इसको शादी करवाया। बहन 18 ईयर से ऊपर है, उनके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके इसे करवाया। सर, ना करना इसमें कोई इसमें नहीं है अभी उसका नहीं, ये केवल ये उसका माइनर को जबरदस्ती शादी करवाया, उसका भाई ने कंप्लेंट दिया। सर माइनर है, ठीक है सर, लेकिन अब दूसरी शादी मतलब 18 इयर्स के बाद जब शादी करना है तो लड़की कैसा करेंगे जब तक ये डिवोर्स नहीं दिया? नहीं, वो अभी क्या जल्दी है उसमें, उसमें अभी अभी वो 16 इयर्स के आया है। तो 16 इयर्स की लड़की है, उसका भी ये उसका विल के अगेंस्ट करवा दिया, उसका भाई ने कहा के कंप्लेंट दिया, ज़बरदस्ती करवा दी गई। ये तो लीगली उसमें जो सेक्शंस आए उसमें है। आप जो फ्यूचर की बात कर रहे हैं वो अलग बात है, इसमें नहीं आता, वो क्राइम की बात नहीं है। वो मैं अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो पूरा सीक्रेट में बना दिया वो पूरा डॉक्यूमेंट्स। ब्रदर को उस टाइम पे मिला था, वो पहले उस दिन शाम को हुआ, मॉर्निंग को कंप्लेंट दिया वो पूरा। ये ब्रदर भी ओन ब्रदर नहीं है, इनका फादर को 2 वाइफ्स है, अलग दूसरी वाइफ का लड़का है वो। सर लड़की को रेस्क्यू में भेजा है, मैं समझा नहीं। इसी हाँ हाँ उस टाइम पहले भी इस लड़की पर वो जो रिलेटिव है उसकी मौसी है उसको मारा था पहले भी।
जब जब छोटे थे उस टाइम पे भी ये लड़की और उनकी सिस्टर को, दोनों को, पहले वो सिस्टर को मारी थी, उस टाइम पे चाइल्ड रेस्क्यू होम में भेजे थे, भेजे थे। और इस लड़की को भी, ये जो लड़की अभी शादी करवाया गया उसको भी उस टाइम पे वही रिक्वेस्ट की कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, तो उस टाइम पे चाइल्ड रेस्क्यू होम भेजा गया था पहले। टीम जा रहे केरला जा रहे। मदर नहीं, उनका मदर नहीं है, मदर भी देते हैं, सेकंड मदर भी देते हैं। ओनली मौसी के साथ है।